साथ ही बाजारों में मिलावट का गोरख धंधा भी शुरू हो गया है। घी, मावा, तेल, बेसन में मिलावट की शिकायतें आ रही हैं। ताज़ा कहकर लोगों को जो मिठाई परोसी जा रही है, जो मावा परोसा जा रहा है, वो काफ़ी ख़राब है और मिलावटी है। दूध की कमी और अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मावा बनाने के लिए दूध की बजाय दूध पाउडर, रसायन, उबले आलू, शकरकंदी, रिफाइंड तेल का प्रयोग किया जाता है। पटना में मिठाई, पनीर और मावा किस तरह से त्योहारों का मौसम आते ही मिलावटी हो गया है, इसका रियलिटी चेक किया गया, जिसके बाद मिलावट की तस्वीरें सामने आईं। ग्राउंड जीरो से रजनीश सिन्हा की अगली रिपोर्ट देखिए। ये झोला भर के जो मेरे हाथ में आपको मिठाई, मावा और पनीर दिख रहा है, ये मेरे घर का बाजार नहीं है, बल्कि वो सैंपल्स हैं जो इस वक्त बिहार के एकमात्र फूड क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेटरी में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, रसगुल्ला, मावा, बर्फ़ी, खोआ, दिवाली में इन सब चीज़ों की खूब धूम है और लोग घर ले भी जा रहे हैं, दूसरों को खिला भी रहे हैं, मगर इसकी सच्चाई क्या है? बाज़ार में मिलने वाला ये मावा और लड्डू और रसगुल्ला कहाँ तक सही है? क्या ये जो आप खा रहे हैं ये वाकई हेल्दी है? कहीं ये कार्सिनोजेनिक तो नहीं? जिस सिल्वर वर्क को आप समझ कर, यानी जो सिल्वर का तवक होता है उसे आप समझ के मिठाई खरीद रहे हैं, कहीं वो अल्मोनियम तो नहीं? कहीं मावा में मिलावट तो नहीं? पनीर कैसा है और कैसे होती है इसकी टेस्टिंग? रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं हम बिहार के एकमात्र लेबोरेटरी में, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त बाजार में मिल रहा है नकली मावा, नकली रसगुल्ला, नकली खोआ। रहें उससे सावधान, पहले देखें ये रियलिटी चेक। कहते हैं दिवाली में गणपति को लड्डू खूब चढ़ाया जाता है, तो हम पहले सबसे पहले इस लेबोरेटरी में लड्डू की टेस्ट कराएंगे। लड्डू की जो टेस्टिंग है वो कैसे हो रही है और लड्डू की स्थिति क्या है? देखिए यहाँ पर ये सैंपल इन्होंने लड्डू का लिया है और इसमें सर क्या कर रहे हैं आप? इसमें मैंने लड्डू का सैंपल लिया है, इसमें कॉम केसीएल का हमने डिजोल्व करवाया है, इसमें थोड़ी देर इसको हम सेक करते हैं, उसके बाद डिस्टिल वाटर या नॉर्मल वाटर भी डालते हैं, उसका कलर को हम चेक करते हैं। इसको देखिए दोनों में हमारा क्या आया है कि ब्लू जो पिंकिश कलर है वो डेवलप कर गया, स्टैंड कर गया। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों जो लड्डू हम आपके सामने दिखा रहे हैं इसमें मेटानील येलो कलर मौजूद है, जो हमारे खाने योग्य नहीं है, नॉन परमिटेड है और ये कार्सिनोजेनिक होता है। अच्छा, ये कार्सिनोजेनिक होता है। तो देखिए जो ये लड्डू है ये बिल्कुल देखने में एक जैसा है, अगर लड्डू ठीक है तो ये केमिकल डालने के बाद इसका कलर ऐसा होगा, बिल्कुल लड्डू अपने जगह पर होगा, जो उसके अंदर का बूंदिया है बिल्कुल आपको कलर में दिखेगा, और नहीं तो फिर ये देखिए ये हम खा रहे हैं और ये खतरनाक है। देखिए ये जो लड्डू है, ये लड्डू सर कार्सिनोजेनिक जो हमने टेस्ट किया, देखिए ये लड्डू कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसमें खीरा का बीज भी दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है। ये एक लड्डू हो गया और ये जो है ये बेसन वाला लड्डू। अब आपको लगेगा दोनों लड्डू घर ले जाएं, दोनों सही है, मगर सच्चाई ये है कि ये लड्डू तो अच्छा है मगर ये लड्डू जैसे ही आप खाते हैं ये लड्डू आपको कैंसर जैसी बीमारी को न्योता देने का पैकेट बन जाता है। ये लड्डू की टेस्टिंग है, हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर ये जो कार्सिनोजेनिक होता है, जिस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें कितना खतरनाक है? सबसे पहली बात है कार्सिनोजेनिक तो है ही, जो अमाउंट हम लोग ले रहे हैं अगर वो प्रॉपर अमाउंट में जो चीज़ भी हम लोग ले रहे हैं काफ़ी खतरनाक है हम लोगों को। इसके लिए हम लोग जो भी गवर्नमेंट तरफ से जो भी प्रोटोकॉल है या जो भी फसाई का प्रोटोकॉल है उसके अगेंस्ट सब ये है। काफ़ी केमिकल्स, अच्छी चीज़ नहीं है ये, अच्छी चीज़ नहीं है। और देखिए ये तो लड्डू की टेस्टिंग हुई, आपको हम दिखाएंगे बाकी भी जो जो चीज़ हम दीपावली में इस्तेमाल करते हैं, जो बाज़ार में हम खरीद रहे हैं वो असल में है क्या। सो सचेत रहें। लड्डू आपने देख लिया कि कैसे लड्डू ने रंग बदल लिया, पीला लड्डू कैसे नीला होते ही बता गया कि ये लड्डू खतरनाक है। वीडियो सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।